नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, गन्ना बुआई का समय अब स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हर किसान को स्प्रे मशीन की। जो भी मेरा किसान साथी एक अच्छी स्प्रे मशीन की तलाश में है, उनकी तलाश यहाँ उकावली गांव में आके समाप्त हो सकती है किसान साथियों, क्योंकि यहाँ पे किसानों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रे मशीनें तैयार करी जाती हैं। आप चाहे अपने इस्तेमाल के लिए लेना चाहते हो या आप किराए के लिए एक बहुत अच्छी स्प्रे मशीन तैयार करवाना चाहते हो, तो किसान साथियों आपकी तलाश बिल्कुल यहाँ उकावली में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट, जैसी मशीन आप चाहते हैं वैसे ही मॉडिफिकेशन करके आपके लिए मशीन बना दी जाएगी। एक नंबर एक क्वालिटी का सारा सामान मिलेगा किसान साथियों, आपको कोई भी परेशानी मशीन में देखने को नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, मैंने इनकी पहले भी 2-3 वीडियो बनाई हैं, तब इन्होंने काम स्टार्ट करा था, लेकिन आज किसानों को बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ये दे रहे हैं, इसीलिए किसानों का प्यार इन्हें बहुत मात्रा में मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी शुरू से लेके आखिर तक अब तक मेंटेन रखी। पिछली बार मैं आया था तो बहुत छोटे लेवल से इन्होंने स्टार्ट करा, तो फिर कहूँगा क्वालिटी इनकी इतनी ज़बरदस्त है, किसानों को बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, इसी का नतीजा है कि इनके पास आज इतना काम स्प्रे मशीन का। नमस्कार जी, मेरा नाम संजय कुमार त्यागी जी, ग्राम कावली, कस्बा बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश जी, और मोबाइल नंबर है 90-12-15-96-26 जी। एक नंबर और है 98-37-206-207 जी। तो संजय, सबसे पहले आप क्या दिखाना चाह रहे हैं किसानों को, कौन सी मशीन दिखाना चाह रहे हैं ये बताओ। सबसे पहले मैं भाइयों को बताना चाहूँगा, भाइयों मैं भी एक किसान हूँ जी जी, और मुझे भी स्प्रे मशीन की जरूरत थी जी। एक मशीन में लेके भी आया था, अच्छा, तो मुझे ऐसी लुंज बुंज बेकार खराब मशीन दे दी, कुछ दिन चल नहीं पाई जी जी। फिर मेरी जिज्ञासा हुई क्यों ना मैं इस काम अपने लिए भी और किसान भाइयों के लिए भी अच्छी स्पेशल मशीन बनाऊं जी, तो मैंने ये काम शुरू किया पिछले साल। हाँ। और धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा काम आपने बढ़ा, किसान भाइयों ने पसंद भी करी जी जी, मन का भी बहुत सहयोग रहा। और मैं कभी भी किसी मशीन में कोई लोकल सामान नहीं लगाता जी, क्वालिटी का मैं विशेष ख्याल रखूं। हाँ। चाहे भले ही मुझे 2 पैसे कम बच जाए, लेकिन क्वालिटी में मैं समझौता नहीं करता। जो परेशानी आती है भाई, मशीन चला रहे कहीं पाइप फट गया, कहीं जो है पंप खराब हो गया, किसान परेशान ही रहे जी, परेशान है जी। जो मशीन बेच रहे हैं, मशीन बेचने के बाद हाँ, फिर उसमें कोई शिकायत आ जाए तो मैं सुनवाई कर लेते। हाँ। और मेरी ये आदत है, मशीन ले जाने के बाद भी अगर किसी भाई को परेशानी नहीं आ रही तो वो फोन पर संपर्क करे जी, अगर कोई सामान खराब होगा तो मैं दूसरा दूंगा जी जी, और फोन वीडियो कॉल करके ही मैं यहीं से लगभग ठीक करवा दूंगा जी 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 जी। आप मतलब पूरा का पूरा उनका ध्यान रखते हैं? हाँ, पूरा ध्यान रखूंगा, पूरा बात तक सहयोग करूंगा। तो ठीक है जी, थोड़ी सी जानकारी मशीनों के बारे में हमें दो, कौन सी आप मशीन दिखाना चाह रहे पहले? तो ये वाली, हाँ ये भी, और ये भी, अच्छा 500 लीटर की, हाँ अच्छा, ये सादी मशीन है, ठीक है जी, जो हाथ से पाइप इकट्ठा करा जाएगा, अच्छा, और इसमें काम अधूरा है कुछ, अच्छा, पंप वगैरह पूरा लगेगा इसमें, ठीक ठीक ठीक, चलो जी। बाकी और दिखाओ, यहाँ तो मशीन नहीं, मशीन ने खड़ा किया आपने तब। हेलो, और ये ऑटोमेटिक है, हाँ आपके भी, आपके भी, अच्छा ये भी सादी में है, अच्छा जी, ये 300 लीटर बच्चा ट्रैक्टर जो है, जो मतलब छोटे ट्रैक्टर के लिए तैयार करी जाती है, बच्चे ट्रैक्टर जो आ रहे हैं आजकल, हाँ उनके लिए है, अच्छा, इसमें हाँ 2 गन लग जाएंगी, ऊपर गन लगेगी, ऊपर गन लग जाएंगी, ठीक ठीक, और इसमें हम ट्रैक्टर से कंट दे देंगे, अच्छा, और मैं दोनों गन लेफ्ट राइट में ऐसे घूमती रहेगी, स्प्रे चलाती रहेगी, मतलब खुद ब खुद स्प्रे होती रहेगी छोटे ट्रैक्टर के पीछे, किसान भी ट्रैक्टर चलाना ठीक, चलो बता, अच्छा अच्छा ये भी सिस्टम है, अच्छा, इसमें पीछे कोरोजन सिरा साकी वगैरह अगर करनी हो, हाँ जमीन पे, हाँ, में, हाँ, तो उसमें वो भी सिस्टम लगा हुआ, अच्छा, इसकी चौड़ाई जो है हमारी, हाँ, या 3 फुट है, हाँ, 3 फुट से भी 1 फुट कमी है, हाँ, 3 फुट से भी कम है, अच्छा, ये देख लो, मतलब बिल्कुल भी ट्रेंच, हाँ, में अड़ेगा नहीं ये पीछे, ट्रैक्टर से बाहर नहीं, 3 फुट से थोड़ी कम है, अच्छा, ट्रैक्टर के अंदर ही अंदर मशीन आएगी, ठीक ठीक, ऐसा नहीं कि भाई ट्रैक्टर से बाहर मशीन निकल कर वो कहीं अड़गी, ठीक, गन्ने में या फसल में या कहीं रास्ते में बुग्गी में टोली में कहीं नहीं अड़ेगी, ठीक। क्वालिटी पंप की,
कुछ बताना चाहते हो इसके? हाँ अच्छी क्वालिटी का पंप है, हाँ, और नटराज कंपनी का पंप है। ठीक ठीक ठीक। इसमें किसान मास्टर भी और भी कई तरह के पंप हैं। ठीक ठीक। ये बड़े ट्रैक्टर की 500 लीटर की है। अच्छा जी, ये ऑटोमेटिक मशीन है भाई जी। अच्छा, यहाँ से इसमें पूरी बेल्ट लग जाएगी, अभी अधूरा है काम। हाँ हाँ। जैसे ही किसान हत्थे को दबाओगा, हाँ, तो ये ऐसे घूमने शुरू हो जाएगी। अच्छा। पाइप लिपटना शुरू हो जाएगा अपने आप, पाइप लिपट जाएगा। चाहे कितना भी पाइप हो, हाँ, इसे दबाए रखो और पाइप लिपटना शुरू हो जाएगा। अगर पाइप कहीं अट गया या हाथ में कोई दिक्कत है, तो जैसे आप इस हत्थे को छोड़ दोगे, ये यहीं रुक जाएगी अपने आप। ठीक ठीक ठीक। मतलब पाइप जो लपेटने की दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी, कंट्रोल हाथ में रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। चलो जी, और मशीन तो और भी लोग बना रहे, हाँ, तरह की बना रहे। जी जी। हमारी मशीन में विशेषता यह है, जो एंगल का फाउंडेशन है, अच्छा, टैंक की जो कन्नी है, किनारा है बाहर का या सामने का फ्रंट का, हाँ, ये एंगल में दबा हुआ है। अच्छा। अगर मशीन कहीं बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, या कोई भी डबलिंग नहीं मिलने की इसमें, पूरी मशीन हिलेगी, टैंक नहीं, टैंक नहीं हिलने का। दूसरा, किसी का कोई अनाड़ी कोयला हिला हुआ रहा, हाँ, या ड्राइवर अनाड़ी बैठ गया कहीं कोड़े में, बुग्गी में कहीं लग गई, तो एंगल लगेगी। अच्छा, टैंक नहीं लगने का। ठीक 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 ठीक। मतलब कि टंकी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, टूटने की, टूटने की कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी चिकनी है, बिल्कुल चिकनी है, बिल्कुल सेफ है। पाइप का भी फाउंडेशन कुछ लोग बना रहे, मैं तो बनाता नहीं। जी जी जी। पाइप में दिक्कत यह है, मैं यहाँ पाइप लगा देंगे दो। अच्छा। सिर्फ जो खाली रहेगा, फिर पत्ती सी घुमा दें उसमें, जो पूरा टैंक नंगा रहे साइड से, फट भी जाओ उसमें, जो टैंक सेफ नहीं है। जी जी। मतलब किसान के लिए बहुत ही, हाँ, सही तरीके से सोच विचार के काम करा जा रहा है। एक मैं किसान भाई है, वो एक राय और दूंगा जी, वो मशीन मेरे से लें या कहीं और से लें, हाँ, तो मैं जो इस नतीजे पे पहुंचा, जो मेरा अनुभव है, पाइप का फाउंडेशन की मशीन ना लें। हाँ, मतलब ये जो एंगल में आप बना रहे, इस, हाँ, तरीके की लें, एंगल की ही लें, उसमें खराब होती है जल्दी वो पाइप में। दिक्कत क्या है, जहाँ भी वेल्ड होगा, अब जैसे टोकलिंग पत्ती है, हाँ, अगर यहाँ पाइप होता, हाँ, तो हमेशा जोड़ पे से फटेगा पाइप, फट जाएगा जी, बिल्कुल फटेगा। हाँ, जहाँ भी जोड़ होगा वहीं से पाइप फटेगा, फट जाएगा, साल में 6 महीने में मेरी गारंटी है, जरूर फटेगा। जी 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 जी। दूसरा, अगर मुड़ गया कहीं से, हाँ, एंगल को तो चलो सुधा भी कर लेंगे, उसे सीधा भी नहीं कर सकते, टूटेगा गैल, गैल टूटता रहो। तीसरी बात, पाइप हमेशा गेज में आवे, हाँ, और एंगल आवे सूत में, सूत में और गेज में बहुत अंतर होगा। जी बिल्कुल। इसकी मोटाई ज्यादा ही रहेगी। हाँ जी, मजबूती रहेगी। तो बहरहाल बैंड तो हो ही रहा, लेकिन आप इसकी फिनिशिंग देखो, हाथ फेरने से भी आपको पतन लगने का, हाँ, यहाँ वेल्ड भी हो रहा है, कहीं जोड़ है या कहीं वेल्ड है, हाँ, कहीं पतन लगे महसूस नहीं बनेगा। जी जी। पेंट और वेल्ड विशेष घंटी का मॉडल है। अच्छा, ये बनाई हुई है अपने हाथ से ही। अच्छा अच्छा अच्छा। उनमें तो डिस्क लग रही है, उसमें तो मतलब ये ऑटोमेटिक सिस्टम है ये तो, और ये अगर आपको घुमाने वाली लेनी हो हाथ से, तो आप इसे ले सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया जी। सॉरी, मतलब मैं जैसे बताया था शुरू में, आप जैसी मशीन चाहते हैं वैसी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करी जा रही है। भाई साहब, हमारी मशीन की एक खासियत और है, हाँ हाँ, हमारी मशीन से ट्रैक्टर नहीं उठने का। अच्छा। ट्रैक्टर आगे से उठने का नहीं। अच्छा अच्छा। क्योंकि मशीन जो है ट्रैक्टर के बहुत नजदीक है। अच्छा, मतलब ज्यादा लंबाई नहीं रहने की, पीछे ज्यादा लंबाई नहीं रहने की। ठीक ठीक। जितनी ज्यादा पीछे होगी उतना ही ट्रैक्टर आगे से उठेगा। जी, ये तो है, ये मेरा अनुभव अपना है। अजी, किसान ही जान सके इन बातों को कि क्या परेशानी आवे स्प्रे करने में और क्या दिक्कत बनती है। किसी किसान को 300 लीटर का टैंक चाहिए या 500 का या 250 का, तो इसके बारे में बताओ, ये टैंक के बारे में बताओ थोड़ा सा। अच्छा, ये गोल वाला है, सादा सस्ता है, सस्ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मीडियम किसान के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। ये हल्का होके भी इतना हल्का नहीं है भाई, कोई जैसी बाजार में मिले मशीन ना, उनसे तो जब भी बढ़िया हो भाई जी। ये देखो, हाँ, मशीन पूरी हिल जाएगी, लेकिन टैंक नीचे चसक रहा बिल्कुल भी। सही कह रहे जी आप, फिटिंग का विषय ध्यान रखो, फिटिंग बिल्कुल और सेट की क्वालिटी देखो आप। हाँ, नहीं नहीं, वो तो दिख रही जी, बिल्कुल वो दिखाई दे, चमक मार रही है मशीन में। अच्छा, टैंक के बारे में कह रहे थे जी आप, 200 लीटर के, क्या बता रहे थे? 200 लीटर का टैंक है। अच्छा, इसमें लीटर लिखे है 50, 100, 150, 200 लीटर का है। जी 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 जी। 200 लीटर से 2000 लीटर तक की मशीन बनावा। हाँ, 200 से 2000। हाँ जी। ठीक ठीक। 200 लीटर से 2000 लीटर तक की जैसी भी चीज है किसान, हाँ, वो ले सके। ठीक ठीक। दूसरा, एक क्वालिटी और है हमारे पास। अच्छा जी। हाँ। ये पारदर्शी टैंक है। अच्छा, इसमें जैसे पानी भरेंगे तो बाहर से दिखाई देगा कि पानी कहाँ तक आ गया। हाँ, वो समस्या नहीं भाई, अकबाई 1000 लीटर आ रहा है, 500 आ रहा, पता ही नहीं चल पा रहा। ठीक ठीक ठीक। ये थोड़े उससे कुछ के मुकाबले कुछ कॉस्टली है, थोड़ी कोई अंतर है।
लेकिन इसमें सुविधा है, पानी दिखाई देगा कितना पानी रह रहा है जी, जी, और कहां तक भरा गया जी, जी। अच्छा ये 1000, ये तो टंकी टाइप है जी, बड़े वाला टैंकर सा, वो अगर ऐसा ऐसा करवाना हो वो भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सारी की सारी मशीनें आपने देख ली, आपने जो है टैंक भी देख लिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी मशीन आपको बनवानी है, आप यहाँ आके इनसे बात करके उसी क्वालिटी में मशीन तैयार करवा सकते हैं, बहुत ही जायज रेट पे आपको एक नंबर की क्वालिटी मिलेगी। कोई और भी किसान भाई या कोई कारीगर भाई मशीन बनाना चाहता हो, हाँ, मटेरियल ना मिल रहा हो भाई वो, हाँ, तो मेरे पास सब मटेरियल, हाँ, जानकारी चाहती हो कुछ, हाँ जानकारी भी, पंप है, टैंक है, पाइप है, पूरा मटेरियल मरम्मत का भी और तैयार माल भी मेरे पास सब है। तो किसी को पेट्रोल की फोर स्ट्रोक इंजन की मशीन चाहती हूँ। अच्छा, पेट्रोल वाली फोर स्ट्रोक भी, वो भी है। अच्छा, बिल्कुल जायज रेट मिलेगी। ठीक 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 है जी, तो आप बहुत बढ़िया, आप मदद भी करने को तैयार है कोई बनाना चाहता हो, ठीक है जी, धन्यवाद।